नंबर तो 111 बने हैं। 111 नंबर बने हैं, बहुत बढ़िया नंबर बने हैं मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि एक के 114 बने थे, उसके बाद आपके ही बने हैं 111 नंबर। 14 वाले भी है। अच्छा, 114 वाले ये पकड़ लीजिए। और बता दीजिए हम सारा पेपर पैटर्न कैसा था, किस तरीके से आगे आने वाले छात्रों को तैयार करने। डिफिकल्ट तो है ही, मीडियम से डिफिकल्ट है, और इसके बाद सीडीपी थोड़ी डिफिकल्ट आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, मैथ इज इजी, इंग्लिश भी इजी, थोड़ा हिंदी और सीडीपी थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेवल थोड़ा हाई है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं जहां लोग फंस रहे हैं। अंतरिक्ष से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं अंतरिक्ष से क्वेश्चन। अंतरिक्ष से कौन कौन से क्वेश्चन आए ये जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे हम। यूनिस्पेस करके था, यूनिस्पेस 3 नाम का पूछा था उन्होंने। अच्छा, कौन से ईयर में हुआ था। अच्छा, और मीटियोर्स के बारे में पूछा था एक आध क्वेश्चन। मीटियोर के बारे में बिल्कुल, अंतरिक्ष के बारे में, और चेर्नोबाइल दुर्घटना हुई थी उसके बारे में पूछे ने। अच्छा, चंद्रयान 2 में जो दुर्घटना हुई थी, नहीं चेर्नोबाइल हुई थी जो यूक्रेन में दुर्घटना हुई थी, परमाणु विस्फोट वाली, वो पूछा था इन्होंने। और पर्यावरण से रिलेटेड थे सारे, पॉल्यूटेंट के पूछ रहे थे, वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, ओजोन लेयर कहाँ है, आज पर्यावरण से ज्यादा आए थे, पर्यावरण से ज्यादा आए थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो आपका पर्यावरण अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, उसके बाद किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया पर्यावरण में। इसमें फिर पेडागोजी आई है, उसके बाद पेडागोजी बहुत आई है। पेडागोजी पर्यावरण में कितने नंबर की आई होगी लगभग लगभग? आप बहुत ही कम रेशियो है, मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चंस का रेशियो बहुत कम है। नहीं नहीं, पेडागोजी जो पर्यावरण में 12-13 क्वेश्चन आपके पर्यावरण में पेडागोजी से, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, जैसे बच्चों के विकास से संबंधित। हाँ, बच्चों के विकास से संबंधित थे, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए इससे थे। अच्छा, आप क्या क्या यूज कर सकते हैं प्राइमरी पे, अपर लेवल पे। अच्छा, एनसीएफ से कोई क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 से। नहीं, एनसीएफ से कोई क्वेश्चन, एनसीएफ से। अच्छा, इंग्लिश पेडागोजी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों का बहुत कमजोर हो रहा है, वो बोल रहा है कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। दो, एक पोएम आई थी, एक पैराग्राफ आई थी, उससे रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चंस थे, 6 पैराग्राफ से 6 उससे, तो ये तो हो गए। बाकी 2-3 पैडागोजी के थे, और 2-3 कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस थे कि ये प्रोनाउन है, या फिल इन द ब्लैंक्स करिए इसमें। अच्छा, ऑप्शंस है उनमें से आपको ब्लैंक फिल करने हैं। 5-6 क्वेश्चंस इस बारे में थे। और इंग्लिश पैडागोजी से किस प्रकार से थे, लर्निंग एक्विजिशन वगैरह? शायद नहीं, एक रोज आया होगा, एक आपका पैराग्राफ आया, उसमें लगभग कितने क्वेश्चन थे? 7-6 मतलब ये आपके 14 क्वेश्चन होगा। उसके बाद किस प्रकार के क्वेश्चन थे? 6-7 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। उसमें क्या पूछा गया था? ये वो तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे, नॉर्मल सेंटेंस थे, उनमें वर्ड भरना होगा हमें। अच्छा, ये वर्ड भरना था, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। चलो, बहुत बढ़िया बताया मैम, आपका शुभ नाम जानने की कोशिश करेंगे। पारुल मिश्रा इनका नाम है, एक मिनट और हिंदी में, हिंदी का और बताइए थोड़ा सा। हिंदी में 111 नंबर, एक पोएम आई थी, 101 पूछ रहे हैं, प्लीज कैटेगरी बताएं और नंबर बताएं। 111 नंबर है मिश्रा जी, मतलब जनरल है, ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर है, 111 नंबर है, और मतलब ये सेकंड लास्ट टॉपर होंगे यहाँ की, क्योंकि 114 नंबर भी हमें मिले हुए हैं। ठीक, इसके बाद हिंदी का बताएं, हिंदी में पेडागोजी किस प्रकार की थी? एक पेडागोजी, एक तो आई थी पोएम आई थी, और एक पैराग्राफ आया था, दोनों ही आए थे। कविता का यूज क्या है, छंद का यूज है, पर्यायवाची आए थे, और वो आया था उसमें क्या कहते हैं, विलोम शब्द आए थे, विलोम शब्द भी आए, पर्यायवाची भी आए, विलोम भी आए, ये सब आया। रुक लीजिए सर, थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, 111 नंबर है, और थोड़ा सा मैथ के बारे में बता दीजिए बस। मैथ इजी है, मैथ इजी है, इजी है, ज्यादातर क्वेश्चंस यही हैं मैथ वाले। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर, कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ते हैं और मैथ ज्यादा नहीं पढ़ते, तो वहाँ कैलकुलेशन है, पेडागोजी बहुत कम है मैथ की, ना के बराबर ही। किस प्रकार की थी, अगर थी भी तो? पेडागोजी तो मुझे याद ही नहीं, शायद क्वेश्चंस तो मुझे याद नहीं है, पर थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस थे सारे, इकाई के स्थान पे क्या आता है, ये वाले क्वेश्चन थे ना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अच्छा अच्छा, भाग देना, इसमें इतने लीटर होगा तो। अच्छा, ये कितने क्वेश्चन थे? रेशियो वाले क्वेश्चन, रेशियो वाले क्वेश्चन आए थे, भिन्न वाले भी क्वेश्चन आए थे, और आपके वो जो औसत से भी पूछे गए हैं, मैंने सुना है, औसत से भी, औसत से विभाज्यता के नियम से भी पूछे गए हैं। हाँ, वो भी पूछा गया था, वो पूछा गया था, 20 क्वेश्चन आपके तेज एजुकेशन, 20 क्वेश्चन आपके उससे आए थे जी, जी हाँ। और 10 क्वेश्चन आपकी मैथमेटिकल पेडागोजी से आए थे, इस प्रकार हम मान सकते हैं। बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है आपको देख के मैम, अभी 1000 थे, 1700 बच्चे हो गए, आप 700 बच्चे और बढ़ गए, इतना अच्छा रिव्यू दिया है आपने। अच्छा, हिंदी पेडागोजी का और बता दीजिए, किस प्रकार का था?
हिंदी पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी में वो कविता का पूछ रहे हैं, मेन पर्पस क्या है कविता पढ़ने का, प्रोज पढ़ने का बच्चों को, और फिर छंद की वैल्यू क्या है छंद पढ़ाने का, मतलब लर्निंग जो एक्विजिशन होता है सुनना बोलना ये सब क्वेश्चंस थे, लेकिन शायद दो तीन ही क्वेश्चंस थे, दो तीन ही क्वेश्चन थे। सुनना क्या जरूरी है, सुनना जरूरी है कि लिखना जरूरी है, या फिर दोनों जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा दोनों जरूरी है, क्या पक्ष जरूरी है ये पक्ष, अच्छा क्या पक्ष जरूरी है ये पूछा गया था। अब एनवायरमेंट हो गया, अब पर्यावरण में मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि अंतरिक्ष विज्ञान से तो पूछे जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ से पूछे जा रहे हैं? पूछे जा रहे हैं नेचर से, ओजोन के बारे में, ओजोन के बारे में पूछा गया जी, मतलब ओजोन गैसेस के बारे में, कौन सी गैस हानिकारक है। अच्छा और? और ये दुर्घटना हुई थी इसके बारे में, और एक स्पेस का तो हो ही गया है। और पोषण वगैरह से, आहार वगैरह से बच्चों के, हाँ एक पोषण का क्वेश्चन था, पोषण का क्वेश्चन, परिवार से कोई क्वेश्चन नहीं, या जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं नहीं, इस नहीं, प्रकार नहीं, मतलब उनके जो आवास वगैरह होता है कोई क्वेश्चन। बहुत बढ़िया मैम, पारुल मिश्रा इनका नाम है, 111 नंबर है, झांसी से आया है, थोड़ा लेट हो रहे थे, और इन्होंने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है।